हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक जर्सी तैयार की है क्रोशे से। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए कितना मैंने घुटावा इस तरह से बनाया है कि लग ही नहीं रहा है क्रोशे का है। ये इसकी बैक साइड है, देखिए ये बैक साइड है, ये हमारा गला अभी बनाना है। अभी हमने गला नहीं तैयार किया है। जिन लोगों को गला बनाने में दिक्कत आती है क्रोशे से, मैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं गला बनाकर दिखाऊंगी आपको, गले को हम क्रोशे से कैसे तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पे डिजाइन भी डाली है, बाजू में इस तरह का कुछ डिजाइन है। बहुत सुंदर लगती है जब पहनते ऐसी इस तरह की जर्सियां। मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अपने गले को राउंड शेप देंगे और किस तरीके से देंगे, हल्का सा देखिए। भले ही कैसे ही है, जब हम बनाएंगे तो ये गोल ही बनेगा। चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमें राउंड नेक बनाना है, हमें कोई वी शेप तो निकालनी नहीं है जो हम बीच में से शुरू करें। तो हम इसको कहीं से शुरू कर सकते हैं, बस हमारे काम में फिनिशिंग आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगी। हमने यहाँ से ज्वाइंट करा, इसके बाद हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट में लेना है। इसी तरीके से हम हमने हर एक चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमने हमारा कई बार क्या होता है, गला बड़ा बन जाता है, ठीक है ना। अभी हमारा गला बिल्कुल, नेक जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हम लोग एक नहीं छोड़ेंगे। हम बिल्कुल हर एक चैन में डबल क्रोशिया ले रहे हैं इस तरीके से। अगर हमारा नेक कभी बड़ा बन जाता है तो उसका भी इलाज है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें, जैसे हमारा गला बड़ा हो गया है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक छोड़ के अगले वाले में, फिर एक छोड़ के अगले वाले में, यानी हमने एक एक छोड़ के अगले वाले में बनाना होता है, इससे हमारा गला छोटा हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा नेक जैसे बिल्कुल परफेक्ट है, हमने जिसके लिए बनाया है हमने उसे पहना के चेक कर लिया है, वो बिल्कुल सही आया है जैसे, तो उसके बाद हमें कोई भी बीच में चैन नहीं, वो इस बीच में हमें कोई चैन नहीं छोड़नी। हमने इस तरीके से ही बनाते जाना है क्योंकि हमारा गला परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर बड़ा है तो हमने एक चैन को छोड़ के अगली वाली में डालना है, उससे गला हमारा छोटा हो जाता है। हमने अब एक हर डबल क्रोशे में हम देखिए हर एक डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशिया हर एक चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसमें बन गया हमारा। अब हम इधर आएंगे क्योंकि हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट है, जब हम गला बनाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें हर एक चैन के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशिया को लेना है इस तरीके से। देखिए मैंने हर एक चैन में से, ये देखिए एक एक नीचे हमारी जो ये चैन आ रही है, अब इसमें से, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसमें से, इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ, यहां से भी लेंगे एक हम, अब हम यहां से लेंगे एक, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब हम इधर आएंगे, इधर से लेंगे, इसके बाद हमने ये वाला हो गया, इसमें आएंगे, ये हमारा इस तरह का हम एक बॉर्डर तैयार करेंगे मैं अपने गले में, इस तरह की फिनिशिंग आएगी सेम। तो हमने क्या करना है, हर एक चैन के अंदर इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिए को बनाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूं बनाकर। देखिए ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। मैंने हर एक चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिए को बनाया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए अभी मैंने एक ही बारी बनाया है। देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है, जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो और फिनिशिंग आएगी। तो हमें इस तरह से चैन लेनी है, फिर हमने जो हमारा हमें एक आगे से लेना है,
और एक हमें बैक से लेना है, एक हमने आगे से फ्रंट पोज की, एक हमने फ्रंट पोज ले लिया, फिर हमने एक बैक पोज ले लिया। ठीक है, हमें ये वाला राउंड भी इसी तरीके से करना है, एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज। इस तरीके से हमने ये अपना राउंड कंप्लीट करना है, फ्रंट पोज बैक पोज फ्रंट पोज बैक पोज। ठीक है, अपना हाथ सही लेके चलना, ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज हो, एकदम नॉर्मल लेके चलोगे तो गला बहुत सुंदर बनेगा। तो इस तरीके से अपना राउंड को कंप्लीट करते हैं, दिखाते हैं आपको, एक फ्रंट पोज बनाकर और एक बैक पोज लेंगे और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट ही लेंगे इसी तरीके से, जैसे हम करके दिखाएंगे आपको, ऐसे ही आपको बनाना है। बहुत ही सुंदर से गला बनेगा, बहुत सफाई से। ये हमारा बैक पोस्ट है, इसको हमें बैक पोस्ट के हिसाब से लेंगे और ये आगे वाला फ्रंट पोज है, इसको इसी के हिसाब से लेंगे। तो हमें इस तरीके से इस राउंड को फिर से कंप्लीट करना है। ये हमारा थर्ड राउंड है, एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट दूसरा, तीसरा भी हमें ऐसे ही बनाना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट वाला है, बस इस चीज का ध्यान रखें, फ्रंट वाले पे फ्रंट पोज बनाएंगे और बैक पोज पे बैक। इस तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से ही ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ तीसरा। अब हम फोर्थ राउंड पे आ गए, एक दो तीन चैन ले ली, फिर से हमने ये हमारा फ्रंट पोज है, ये बैक पोस्ट, इसी तरीके से फिर से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है, फ्रंट पोज के ऊपर फ्रंट पोज, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से फिर से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, फोर्थ राउंड है हमारा। देखा, हमें और नहीं बनाना है, नहीं तो गला ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, मतलब जितनी जरूरत है हमें, हमारे उतने तैयार हैं। हमें बस पांच राउंड ही करने हैं। अगर आपको बड़े बॉर्डर वाले गले पसंद है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, पर मुझे पांच राउंड ही चाहिए थे, फाइव राउंड कंप्लीट हुए। ठीक है, यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पांच राउंड का नेक इस तरीके से तैयार हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसे छोटा नहीं करूंगी, फिर दिक्कत आएगी सिर डालने में। देखिए स्ट्रेचेबल भी है, पर मैं इतना ही रखूंगी। देखिए हमारा गला बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अगर आपको गला और बड़ा करना है, आप यहाँ लेंथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनकर, देखिए। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।